कि जो रीडिंग है दोस्तों वो स्पेशल रीडिंग है, स्पेशली फॉर लेडीज़, गर्ल्स, मदर्स, प्रेग्नेंट लेडीज़, वर्किंग लेडीज़, बिजनेस लेडीज़, कॉलेज गर्ल्स, एवरी टाइप ऑफ गर्ल्स। पर हम देखेंगे जितनी तरह की लेडीज़ होती है ना, तीन तरह की होती है, उनको मैक्सिमम आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई गोल ओरिएंटेड होती है, ग्रोथ करने के ओरिएंटेड होती है, तो थ्री टाइप ऑफ वे में होती हैं। तो उन थ्री टाइप ऑफ वे में कैटेगरीज दी है, उसके अकॉर्डिंग सारी लेडीज़ हैं, जिन चीज़ों से कनेक्ट करें उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रीडिंग्स को देखें। ओके, बॉयज़ के लिए यहाँ पर ये है कि वो सेल्फ गाइडेंस डायरेक्ट पाइल के थ्रू जाके चीज़ों को ले सकते हैं, नॉट रिगार्डिंग टू इस वर्ड को सुनकर कि लेडीज़ के रिगार्डिंग है। और यहाँ पर बोनस रीडिंग जो दी जाएगी येस और नो, वो सभी के लिए होगी, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। तो फिर आप उसके रिगार्डिंग इमेजेस चुन सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। आज मैं जो लेकर आई हूँ वो थोड़ा सा यूनिक है और डिफरेंट है, और वो है स्पेशली लेडीज़ के लिए, ऐसे लेडीज़ के लिए जो मदर हैं। बिकॉज आज है मदर्स डे, और मुझे लगा कि हमेशा वीडियोज़ हम बनाते हैं, कई जगह पे मैंने भी देखी है, पर मैंने कभी मदर स्पेशल वीडियोज़ नहीं देखी। तो यहाँ आज मैं लेके आई हूँ मदर्स के लिए गाइडेंस, मदर के लिए गाइडेंस। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। थ्री टाइप ऑफ मदर होती हैं, एक होती है कम्प्लीटली हाउसवाइफ, एक होती है वर्किंग वूमेन जो काम कर रही होती है, बिजनेसमैन होती हैं या कुछ होती हैं, और एक होती हैं ऐसी पर्सन जो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए डिसाइड कर ले और वो डिसाइड कर लेती हैं। तो थ्री टाइप ऑफ लेडीज़ होती हैं, और मैं यहाँ पर मदर मींस जिनके बेबी हो चुके हैं उनके रिगार्डिंग ये रीडिंग है, और जिनके बेबी हो चुके हैं या जो प्रेग्नेंट कंडीशन में हैं या जो अपने फ्यूचर प्लान में बेबी को लेके थिंकिंग करती हैं, ऐसी लेडीज़ के लिए जिनकी जहन में कहीं ना कहीं बच्चों से रिलेटेड फ्यूचर की चिंता है, ऐसी लेडीज़ के लिए यहाँ पर मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने थ्री पाइल रखे हैं, वन पाइल, टू पाइल एंड थ्री पाइल। ओके, यहाँ पर तीन पाइल हैं, इन तीन पाइल को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर आप बहुत सोच विचार करने के बाद अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, बट जितना ध्यान और मेडिटेशन, 2 सेकंड का मेडिटेशन अपने ईस्ट को ध्यान करके आप जितना क्लियर होके पाइल सेलेक्ट करेंगी, वो चीज़ आपको उतना करेक्ट गाइडेंस देगी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये चीज़ मैं पूरी तरह से गारंटी से कह सकती हूँ, ठीक है? तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट पाइल ये है, सेकेंड पाइल ये है, थर्ड पाइल ये है। फर्स्ट पाइल हम आते हैं, जैसे कि क्लियर दिख रहा है, एक ऐसी लेडीज़ जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है या ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या जिनके न्यू बॉर्न बेबी हुए हैं, तो इस तरह की लेडीज़ जो अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस चाहती हैं ईश्वर का, ऐसी लेडीज़ जो अपनी लाइफ में कुछ गाइडेंस चाहती हैं या उनके मन में कुछ थिंकिंग है कि वो किसी सवाल का जवाब चाहती हैं, तो यहाँ पर उनकी तरफ लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, ये चीज़ हम देखेंगे। तो इस तरह की लेडीज़ इस पाइल को सिलेक्ट कर सकती हैं। द एम्प्रेस कार्ड का नाम है, और इमेज आपको क्लियर दिख ही रही होगी, आई होप आप अच्छे से इमेज देखिएगा, नेम से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कार्ड के इमेज कनेक्ट आपको कितना कर रही है और जो बातें मैंने बोली है वो चीज़ आप पे कितनी अप्लाई होती है। ये फर्स्ट पाइल है हमारी, इसे मैं यहाँ रखती हूँ। सेकेंड पाइल की तरफ हम आते हैं, मैजिशियन लेडीज़, ये चाहे हाउस वाइफ हो, ये चाहे वर्किंग पर्सन हो, ये चाहे बिजनेसमैन हो, ऐसी लेडीज़ जो चीज़ इन्होंने ख्वाब में सोची वो चीज़ पाली, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, क्योंकि ऐसा नहीं है हाउस वाइफ में भी लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनकी इशारे पे पूरी दुनिया चलती है। तो ऐसी लेडीज़ जो इतनी कैपेबल हैं, जो काबिलियत हैं, और या फिर ऐसी लेडीज़ जो स्ट्रगल कर रही हैं बट उनको पता है वो बहुत कैपेबल हैं और उनका जो तजुर्बा ज़िंदगी का रहा है, उन्होंने जब भी कोई प्लानिंग की है और उसको सिस्टमेटिक प्लान करके एक्शन लिए हैं, वो सक्सेस हुई हैं, ऐसी लेडीज़ वो मैजिशियन कैटेगरी में आती हैं। तो ये कार्ड है उन लेडीज़ के लिए। ओके, गौर से देखिए इस फाइल को। ऐसी लेडीज़ जो अपनी ड्रीम प्लान करके उनको अचीव करने की कुवत रखती हैं, ये प्रोफेशनल होना ज़रूरी नहीं है, पर ये काबिलियत आपके अंदर है, ये थिंकिंग आपके अंदर है, या पहले आपने अपनी लाइफ में आप इस तरह की थी, तो फिर ये कार्ड आपके लिए। 2 सेकंड सोचिए आप क्या हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं और उतार चढ़ाव ही आपको मैजिशियन बनाता है। ओके, सो ये पाइल उनके लिए है, ये सेकंड पाइल है। थर्ड पाइल की हम बात करें,
तो ऐसी लेडीज़ जिसने अपने बूते पे बहुत कुछ चीज़ें अचीव की हैं, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है, जिसका एक रुतबा है, जिसका एक अलग स्टेटस है, जो कॉमन की कैटेगरी में आती ही नहीं है, जिनको लोग अलग ही नज़र से, एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं, पर ये इंट्रोवर्ट होती हैं, ये ज़्यादा लोगों से घुली मिली नहीं होती हैं, ओके, ये इंट्रोवर्ट होती हैं, ये इनका एक सर्कल होता है, ये अपने लिमिटेड लोगों के संग ही ये बहुत फ्रेंडली होती हैं, बट मैं ये कहूँ कि ये फ्रेंडली होती हैं पर ये फ्रेंकली नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इस कैटेगरी की लेडीज़ होती हैं। तो अगर आप इस कैटेगरी की हैं जो बहुत कुछ चीज़ें आपने अचीव की हैं, आपका स्पिरिचुअल भी कनेक्टिविटी है ईश्वर के संग, आपका थर्ड आई इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, तो आप इस कैटेगरी में आती हैं, और आप गलत चीज़ों को एक्सेप्ट ना करने वाली लेडीज़ हैं, तो आप इस चीज़ कैटेगरी में आती हैं कि आपको सक्सेस होना पसंद है पर गलत चीज़ों के संग नहीं। तो जो लेडीज़ हैं गलत चीज़ों के संग ग्रोथ करना पसंद बिल्कुल नहीं करती, सच को साथ देती हैं, गलत होते हुए नहीं देख सकती हैं, और एक काबिलियत रखती हैं चीज़ों को रॉन्ग चीज़ों के लिए स्टेप उठाने की, और अपने बूते पे ही वो आज कुछ बिल्ड होती हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ में उनका वजूद बनाया गया हो या उनकी प्रोफेशनल लाइफ में उन्होंने अपना वजूद बनाया हो, तो वहाँ पर वो लेडीज़ इस कैटेगरी में आती हैं। तो ये तीनों पायल मैंने आपको दिखा दिए हैं, अब यहाँ भी आपको इमेज दिख ही रही होंगी, मेरा पूरा कोशिश है कि आपको बहुत क्लियर इमेज दिखे, और मैं यही कहूँगी कि 2 सेकंड के लिए पॉज कर लीजिए, चाहें तो पॉज करके आप अपने इमेज को सिलेक्ट कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे कहिए, मैं ये बोलूँगी कोई सवाल मत लाइए मन में, रिलीज़ कर दीजिए सब चीज़ों को, ये प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, आप मेरी ये जो सिचुएशन है, ये जो मेरी सिचुएशन है, इसमें मेरे लिए क्या गाइडेंस आप देते हैं, ठीक है, मेरी ग्रोथ के लिए क्या गाइडेंस आप देते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम ये निकालेंगे, और एंड में मैं दूंगी एक बोनस रीडिंग, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को, एंड में वो बोनस रीडिंग होगी जहाँ पर आपके यस नो सवाल के रिगार्डिंग मैं जो यस नो सवाल होंगे वो सभी लोगों के लिए होंगे, वो जेंट्स के लिए भी होंगे, ठीक है, वो बोनस रीडिंग होगी वो जेंट्स के लिए भी होंगे, वो ओनली लेडीज़ के रिगार्डिंग नहीं होंगे, वो सब के लिए होंगे, ठीक है, और वो भी 3 पाइल ही होंगी, उसके लिए भी ये 3 पाइल्स ही यस नो रहेंगी, आप अगर जेंट्स हैं तो आप भी देख सकते हैं चीज़ों को, ठीक है, और जो लेडीज़ हैं वो लेडीज़ के अकॉर्डिंग रेजोनेट कर रहे हैं उन चीज़ों को। तो चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस देती हूँ, ये 1st नंबर पाइल मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, इन दोनों को मैं अभी साइड में रख देती हूँ, आप ही के सामने मैं यहाँ पर शफल करूँगी। यहाँ पर ये हैंड रिटन सेल्फ मेड कार्ड है, यहाँ पर बहुत क्लियर कार्ड्स और गाइडेंस आपको मिलेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, मैं 3 कार्ड निकालूंगी आपके रिगार्डिंग क्या गाइडेंस आता है। 1 कार्ड आ गया हमारे पास, 2, 3, 4 कार्ड आए हैं आपके लिए, आप ही के सामने शफल किए हैं, चलिए देखते हैं, मुझे 3 निकालने थे पर यूनिवर्स ने हमें 4 कार्ड दिए हैं, मदर यूनिवर्स ने, आज बात करूंगी मैं मदर्स यूनिवर्स की, ओके। तो देखिए, एक्सपेक्ट कीजिए आप पावरफुल चेंजेस इन योर लाइफ, आप में काबिलियत है, आप मैनिफेस्टेशन कर सकती हैं, अगर आप इस चीज़ को अपने आप को डाउन समझती हैं कि आप में काबिलियत नहीं है, तो देखिए यहाँ कार्ड आया, ये आप ही के सामने आया है ना, आप ही के सामने आया है ना, तो आपको एक्सपेक्ट करना है पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, और ये आपके सोच नहीं पाएंगे, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दीजिए कम्प्लीटली। ये हम इसे यहाँ रख देते हैं, हमारा 1st कार्ड। 2nd कार्ड आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, कुछ प्लान है आपका अपनी लाइफ को लेके, वो आप डिस्कस कीजिए अपने फैमिली से, उन चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट कीजिए, वो चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी, एक्शन की ज़रूरत है आपके वर्क में। 8 नंबर आपके लिए स्पेशल हो सकता है, यहाँ पर जो नंबर आया 15, 17, ये डेट आप नोट कर सकते हैं, इनका कॉमन टोटल भी आपके लिए स्पेशल हो सकता है, इसे हम यहाँ रख देते हैं। वाओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और वही कार्ड हमारे पास आ गया, इट्स टू रिलीज नेगेटिविटी, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कुछ इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं, बट मैं इश्यूज़ पे बात नहीं करूँगी, मैं कम्प्लीटली गाइडेंस से बात करूँगी, बिकॉज हम पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है। तो 1-1 नंबर 11-11 आपको दिख सकता है, और आपको जब ये दिखने लगे तब आप समझ लीजिए 11-11 नंबर आपको दिखने लगे कई जगह पर, तब समझ लीजिए आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट होने वाली हैं,
इसके बाद आ जाइए शो द वर्ल्ड रियल यू, अमेजिंग अमेजिंग कार्ड, सबसे बेस्ट कार्ड है ये कि शो द वर्ल्ड रियल यू। एक नंबर एक नंबर है आप, जितना भी आप में स्ट्रेस आपने ले रखा है सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, सब चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए, प्लान जो है, थिंकिंग जो है डिस्कस कीजिए, अपने डर से बाहर निकलिए, पावरफुल चेंजेस की उम्मीद कीजिए और शो द वर्ल्ड रियल यू, जो घुट रही है अंदर ही अंदर शो कर दीजिए, पलट के ज़रा सोचिए बिफोर मैरिज कैसी थी आप, ठीक है। तो बस शो द वर्ल्ड रियल यू, इसके आगे कुछ है नहीं बताने के लिए मुझे। अब मैं देती हूँ येस और नो, बिकॉज जो हमारे जेंट्स व्यूअर देख रहे हैं यहाँ पर उनके लिए येस और नो अकॉर्डिंग टू सवाल, ये लेडीज़ के लिए भी है, कोई भी सवाल मन में कर लीजिए, मैं यहाँ पर आपको कार्ड दे रही हूँ उसके रिगार्डिंग आंसर। एक कार्ड, ये कार्ड टर्न हो गया, हम ये लेंगे। लिसनिंग टू यू, देखिए ये कार्ड हमारा जो आ गया था वो ये कार्ड ये है कि लिसनिंग टू योर इंट्यूशन, जो आपकी इनर इंट्यूशन है, आपका जो भी सवाल है किसी भी सेंस में हो, मैं सवालों को एग्जांपल नहीं दूंगी, जो भी सवाल है आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है आपको आंसर पता है, ओके आपको आंसर पता है, ये जिन्होंने इस पाइल को सिलेक्ट किया था येस नो के रिगार्डिंग, तो आपको आंसर पता है। ओवरऑल एनर्जी अगर हम देखते हैं तो फॉरगिवनेस, किसी से नाराज़ है, किसी से कोई चीज़ है आपकी रिगार्डिंग टू पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो सकता है, तो फॉरगिव करेंगे तभी चीज़ें आपकी येस वे में जाएंगी, आपकी इंट्यूशन आपको पता है या नो वे में जाएंगी, जो भी चीज़ है आपको पता है, ओवरऑल एनर्जी ये आई है जिन्होंने फर्स्ट पाइल को सिलेक्ट किया था और ये उनके गाइडेंस कार्ड है। आई होप आपको पसंद आई हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसे ही इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी आपके लिए। और यहाँ अब हम चलते हैं अपनी सेकंड वीडियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी साइन जो होते हैं, राशियाँ जो होती हैं उनके लिए है, ओवरऑल के लिए, साइन स्पेसिफिक नहीं बता रही हूँ मैं, टैरो कार्ड से प्योर टैरो कार्ड बताती हूँ मैं यहाँ पर, ये साइंस होता है एक तरह का, तो वो उस बेस पे मैं बता रही हूँ आपको ओवरऑल, ठीक है। ये टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे तब अप्लाई होगा, ओके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिगार्डिंग टू यू, देखते हैं जो सेकंड नंबर हमारी मैजिशियन वे की लेडीज हैं, एक कार्ड हमें हमारा मिल गया है, मेरा इंट्यूशन 3 कार्ड्स का है, फिर देखते हैं 2 कार्ड आ गए हैं, वो चला गया वहाँ, चलो 3 कार्ड आ गए हमारे, 3 कार्ड आए हैं, 4 कार्ड आए हैं, देखते हैं जितने भी कार्ड उन्होंने यूनिवर्स में दिए हों, 1, 2, 3, 4 कार्ड आए हैं, ओके। चलिए फर्स्ट कार्ड, वर्क थ्रो योर फियर, मतलब जो आपका आपके जो डर है ना उन पे आपको वर्क करना है, फियर पे वर्क करना है, आपके कुछ डर हैं। 2 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं ये जो गाइडेंस आपको आ रहा है, ओके। और यकीन मानिए आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, डर के आगे आपको निकलना है, बिकॉज यू आर मैजिशियन पावर, मैजिशियन है, आपको पता है आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो कब आता है आपकी लाइफ में, तो फिर किस चीज़ का डर है, उस चीज़ पे डर के आगे जीत है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड आया है स्टेप आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन, सेम कार्ड, फियर फिर कम्फर्ट जोन के बाहर निकलो तब ये चीज़ डेवलप होगी, ये अंदर ही अंदर बंद हो गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकलने की सलाह दी जा रही है, बिकॉज कंफर्ट जोन में निकलेंगे ये जो एनर्जी है इस पर तो आपने एक शेल टाइप से ओढ़ रखा है ना, कैसे होगा फिर, कंफर्ट जोन के बाहर निकलेंगे, फियर निकलना है, कंफर्ट जोन निकलना है, सेम कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, 14 नंबर स्पेशल फॉर यू, अगेन सेम सिक्वेंस, ये चीज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है कार्ड्स की, देखिए अगेन कॉन्फिडेंस ही सक्सेस की है, और आप मैजिशियन पावर एनर्जी रखने वाले पर्सन हो, आपने आपको डाउन कर रखा है, कोई नहीं है जो आपको डाउन कर सकता, और एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर मेंटल स्टेटस, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ आ रही है आपकी निकल के, और यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, अगेन सेम सिक्वेंस आ गया। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ इन अ शॉर्ट वे, जो भी लेडीज़ या इस एनर्जी की हैं, जिनको पता है, जो पलट कर देखें कि वो मैजिशियन पावर को रखती हैं, वो जो सोचती है, जो थिंकिंग करती हैं, वो उन्होंने पाया है अपनी ज़िंदगी में, पर अभी आफ्टर मैरिज या जो भी सर्कमटेंसेज उनकी लाइफ में चल रहे हैं, वो स्ट्रक है, ये जानते हुए कि वो एक मैजिशियन पावर रखती हैं, वो जब भी किसी चीज़ का विचार करती हैं उस चीज़ को पा लेती हैं, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ हो, या हाउस वाइफ भी, वर्किंग भी, बिजनेस वूमन किसी के लिए भी हो सकता है। तो देखिए बहुत क्लियर सीक्वेंस आया है, नोट करके रख सकते हैं, फियर से निकलना है आपको,
फियर से आपको निकलना है, कंफर्ट जोन के बाहर कदम रखना है आपको। आपको अपने पास्ट को, इसको मैं इधर करूँगी, आपको अपने पास्ट को छोड़ देना है, आपको अपने पास्ट को छोड़ देना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, बिकॉज आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उसे जगाइए। सक्सेस के बहुत नियर होकर भी आप चीज़ों को ऐसे जाने दे रही हैं, आप काबिलियत रखती हैं पर ऐसे जा रही हैं चीज़ें, तो उस सारी चीज़ों के लिए जवाबदार आप हैं। आपके लिए ये गाइडेंस आया है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, यानी आप को ईश्वर का संदेश है। अब आप इसको कितना फॉलो करते हैं डिपेंड ऑन कम्प्लीटली यू। ओके, आपको अगेन रिपीट कर दूँ, फियर से निकलना है, कम्फर्ट जोन के बाहर कदम रखना है, पास्ट को छोड़ देना है, रिलीज कर देना है, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। आप अगेन सारी चीज़ों में ग्रोथ हाई लेवल पे आप देखेंगे अपने, ठीक है। अब ओवरऑल एनर्जी के लिए हम देख लेते हैं, यस और नो रीडिंग। जो हमारे व्यूअर जेंट्स व्यूअर देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए यस और नो, कोई सवाल मन में सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, ये आ गया हमारा आंसर। ये यस और नो को जो भी मेरे व्यूअर हैं, ओवरऑल उनके लिए क्या आ रहा है। अपॉर्चुनिटी, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। 8 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। ओवरऑल एनर्जी में हम देखें फ्यू वीक, आपका काम फ्यू वीक में बनता हुआ दिख रहा है और आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये चीज़ फ्यू वीक में चीज़ें हो जाएंगी। यस नो कोई भी सवाल है तो वो चीज़ फ्यू वीक में आपकी डन होती दिख रही है, ठीक है। तो चलिए, ये आपकी रीडिंग थी इस पाइल को जिसने सेलेक्ट किया था अकॉर्डिंग टू यस नो रीडिंग एंड अदर। सो बाय बाय, टेक केयर, आई होप यू लाइक इट, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अदर लेडीज़ के संग लाइक शेयर कीजिए। आज की जो रीडिंग है वो स्पेशल रीडिंग है और ये टाइमलेस है, मैं यहाँ पर बता दूँ। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पाइल की तरफ जिन्होंने इसे सिलेक्ट किया था। तो चलिए थर्ड पाइल की तरफ हम देख लेते हैं क्या निकल के आता है हमारे थर्ड पाइल व्यूअर के लिए। फर्स्ट कार्ड हमारा आ गया, इनको मैं नहीं लूँगी बिकॉज आई एम नॉट रेडी। सेकंड कार्ड हमारा मिल गया है, दो कार्ड हमारे आ गए हैं, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए पहला कार्ड तो आया है जो भी हाई प्रेस्टीज जिन्होंने इस इमेज को सिलेक्ट किया था, पहली बात तो बता दूँ, दो नंबर आपके लिए स्पेशल नंबर है, दो नंबर यहाँ पर है, वन नंबर यहाँ पर है, शो द वर्ल्ड रियल यू। आप जो हिडन करके रखे हुए हैं इस इमेज के संग, मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग वेव में, आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिए, वहाँ मैंने इमेजेस को एक्सप्लेन किया था। उस इमेज के अकॉर्डिंग आपने जो हिडन पावर को छुपा रखा है उसको दिखाने का वक्त है, ये जो टाइम है दुनिया को दिखाने का है, प्रूफ करने का है, बिकॉज आप बहुत कैपेबल पर्सन है, ऐसे पर्सन है जिसका कहते नहीं है कि दुनिया कहे कि वाह क्या बात है इस पर्सन में, वो चीज़ है आपके अंदर, तो वो चीज़ शो करने की ज़रूरत है वर्ल्ड को। नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी आपकी कुछ मैं ये बोल सकती हूँ, हमारी रीडिंग अलग है बट हाँ, शायद आपके घर में कुछ नेगेटिविटी है, तो जो भी चीज़ है आप उस चीज़ को जानते होंगे, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, बट हाँ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने माइंड स्टेटस की नेगेटिविटी को तो रिलीज़ कर दीजिए, पर जो घर में नेगेटिविटी है वास्तु के थ्रू आप उसको, जो घर में नेगेटिविटी होती है वो वास्तु के थ्रू आप उसको रिलीज़ कर सकते हैं। कहा जाता है कि घर में ऐसा करना चाहिए, जिनके घर में नेगेटिविटी नहीं है उनके घर में भी आपको वो पोछा जब आप लगाते हैं अपने घर में तो नमक ज़रूर डालना चाहिए उस पोछे में, ठीक है। उससे क्या होता है कि अननेसेसरी की नेगेटिविटी हमारे घर में नहीं आती है तो वो अच्छा रहता है। आप इस चीज़ को माने या ना माने इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर ऐसा कुछ है, ये चीज़ आपके संग रेजोनेट कर रही है तो लीजिए, नहीं तो अदरवाइज़ ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनके घर में कुछ नेगेटिविटी है। ओके, तो हम सेकंड देखते हैं, और बाकी जिनके लिए वो चीज़ ऐसा नहीं है उनके लिए ये है कि आपको अपने माइंड की नेगेटिविटी स्टेटस को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर देते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड बैक, मतलब आपको अपने पास्ट को कुछ होल्ड करके नहीं रखना है, रिलीज़ करना है उसको, ये चीज़ आपके लिए आई है, क्योंकि आप और वो है स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। देखिए यहाँ पर भी ये आप जो हैं सिमिलर टू सेकंड एंड थर्ड दोनों के कंबाइन आ गया है आपको रिगार्डिंग,
कि आपको थोड़ा सा स्टेप आउट निकलना है। आप बहुत पावरफुल पर्सन हैं, आपने अभी तक भी बहुत कुछ अचीव किया है आपको, पर अपने आप को इस लेवल पे पहुंचाने के लिए कि दुनिया आपके काम का, आपके वर्क का, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हाई लेवल पे बढ़े या आपको लोग प्रायोरिटी दें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है। मेंटल स्टेटस की पहले कीजिए, घर का तो सेकेंडरी पार्ट है, फिर उसके बाद कंफर्ट जोन के बाहर निकल के आपको कुछ एफर्ट्स करने होंगे अपनी ज़िंदगी के लिए, कुछ एफर्ट करने होंगे। आप हाथ पे हाथ धर के बैठोगे तो थोड़ी चीज़ होगी कि हाँ रोज़ा खाना खाया पिए सो गए। अगर आप कुछ वाकई में प्लान करोगे तो डेफिनेटली कुछ चीज़ होगी, बिकॉज आप एक किसी थिंकिंग को माइंड में रख के बैठे हैं, है ना, तो उस चीज़ को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली वर्ल्ड आपकी काबिलियत को देखेगा। तो यहाँ पर हम येस नो के रिगार्डिंग रीडिंग ले लेते हैं। ये ओवरऑल है, जेंट्स के लिए भी है। ये हमारा कार्ड एक टर्न हो गया है। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, आपको न्यू डायरेक्शन चूज़ करने का यहाँ पर आया है। तो जो भी सवाल है तो यहाँ पर चूज़ ए न्यू डायरेक्शन आया है। अब सवाल के संग कैसे रेजोनेट हो रहा है आप ये देख लीजिए। मैं सिंगल कार्ड ही करूँगी, येस नो डायरेक्ट, और 7 नंबर स्पेसिफिक हो सकता है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी हम देख लेते हैं आपके लिए। येस, वाओ, येस सवाल का जवाब है, आंसर है येस, एनर्जी इज येस, बट जो कार्ड आपका वो निकला है, ये एनर्जी आई है, एनर्जी येस, मतलब सही डायरेक्शन में सही किया गया काम आपको सक्सेस दिलाएगा। तो फर्स्ट ये कार्ड निकला है और ये एनर्जी आई है, ठीक है। तो 7 नंबर 1 नंबर 8 नंबर, तो 8 नंबर आपके इन्फिनिटी साइन होता है, अबंडेंस का साइन होता है। तो ये आपके लिए सवाल का जवाब येस है, जिन्होंने थर्ड पायर सेलेक्ट किया था। और यहाँ तक आपने वीडियो देखी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्थी, सेफ, मस्त रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। बाय बाय।